नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स जी के स्टडी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, एसएससी सीजीएल का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैंने करवाऊंगा, तो आज ये हमारा सेट 4 है। ओके, और इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, ये सीजीएल जीके 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये सेट 4 है। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ यूनिट असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन हिली स्टेट्स। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की गई इकाई सहायता की राशि कितनी है? राइट आंसर है इसका 1.30 लाख, यानी कि 1,30,000। ओके, और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना को जून 25, 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके प्रधानमंत्री आवास योजना अरबान अरबान गरीबों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण के गरीबों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और प्लेन एरिया में 1,20,000 और हिली एरियाज में 1,30,000 इसका राशि है। ओके, प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सुबा फोक डांस परफॉर्म्ड, किस राज्य में सुबा लोक नृत्य प्रदर्शन किया जाता है? राइट आंसर है इसका 36। छत्तीसगढ़ में सुबा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खलजी डायनेस्टी रूल्स ओवर दिल्ली फ्रॉम, खिलजी राजवंश का दिल्ली पर शासन कहाँ से कहाँ तक किया था? राइट आंसर है इसका 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी डायनेस्टी का शासनकाल रहा था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच केमिकल इज कॉमनली नोन एज व्हाइट कास्टिक, किस रसायन को आमतौर पर व्हाइट कास्टिक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट कास्टिक के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन किंग इश्यूड ए सिल्वर कॉइन एंड टर्म्ड इट एच रुपया इन द 16th century, किस भारतीय राजा ने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया कहा था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने 16th century में एक सिल्वर कॉइन लॉन्च किया था, यानी कि इशूड किया था, और उसका नाम रुपया रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विकास किया था? राइट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विकास किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेसेस डिड सी राजगोपालचारी ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन द ईयर 1930, वर्ष 1930 में राजगोपालचारी ने किन स्थानों पर नमक कानून तोड़ा था? राइट आंसर है वेदारण्यम। वेदारण्यम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर सी राजगोपालचारी ने 1930 में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। जैसे महात्मा गांधी ने किया था सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, उसी तरह इन्होंने सी राजगोपालचारी ने 1930 में वेदारण्यम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया छपर मेला ए सोशल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज, भारत के किस राज्य में छपर मेला एक सामाजिक उत्सव आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है इसका पंजाब। पंजाब में छपर मेला जो कि एक सोशल फेस्टिवल है, वो
आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन रिसेस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब संसद अवकाश में होती है? राइट आंसर है इसका आर्टिकल 123, यानी कि आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जबकि संसद अवकाश में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोम्बोक स्टेट कनेक्ट्स लोम्बोक जलडमरू मध्य किस किस को कनेक्ट करता है? राइट आंसर है इंडियन ओशियन को जावा सी से कनेक्ट करता है लोम्बोक स्टेट। ओके, और ये जो लोम्बोक स्टेट है ये बाली आइलैंड और लोम्बोक इंडोनेशिया के लोम्बोक के बीच लोम्बोक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस आर डीम टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट डैश। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाएं माना जाता है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा किस पार्लियामेंट की किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई? राइट आंसर है इसका आर्टिकल 307 के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई। ओके, पार्लियामेंट की आर्टिकल 307 के तहत बनाई गई, इसकी सेवाएं जो प्रदान करते हैं ये लोग, ये सब बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होती है? राइट आंसर है इसका पोलियो वायरस से होता है। ओके, और बाकी जो तीनों जापानीज एंसेफालिटिस, येलो फेवर, डेंगू, ये सब फ्लेवी वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो एरिया के मामले में सबसे छोटा यूनियन टेरिटोरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। निम्नलिखित में से किसे संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को इंडिकेटर यानी कि जो एसिड है या फिर बेस है पता लगाया जाता है, उसको इंडिकेटर कहते हैं। ओके, तो कॉमन साल्ट को एक इंडिकेटर की तरह यूज किया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है इसका 1953 में भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पायनियर बाइनरी लॉजिक एंड एरिथमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में द्विधारी तर्क और अंकगणित का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है क्लॉडे सेनन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और एरिथमेटिक का पायनियर किया था। ओके, इनको क्लॉडे सेनन को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगली पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर है इसका 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लॉथ्स। कपड़ों पर जंग के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑक्जैलिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन। एक एयरप्लेन की लिफ्ट किस पर आधारित होती है, किस नियम पर आधारित होती है? राइट आंसर है बर्नौलीस थ्योरम पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फेल्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट लिफ्ट में एक भारी गिर जाता है जब लिफ्ट क्या होती है? राइट आंसर है जब वो जस्ट बिगिंस टू गो अप, जब वो ऊपर जाने के लिए आरंभ होता है, यानी कि स्टार्ट जब होता है तो एक हैवियर जो चीज़ होती है वो गिर जाती है। ओके, गिरने लगती है उसका वजन। ओके, जस्ट बिगिंस, जब वो जस्ट बिगिंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर विंडो मटेरियल टू कीप द आउटसाइड हीट अवे। बाहरी गर्मी को दूर रखने के लिए खिड़की सामग्री के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा इन चारों में? राइट आंसर है डबल पेन ग्लास विथ एयर इन बिटवीन, यानी कि जो ग्लास लगाते हैं विंडो में वो डबल पेन ग्लास होना चाहिए और उसके बीच में एयर जाने आने के लिए कुछ जगह खाली होनी चाहिए। ओके, इस तरह बीच में ये खाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल्स आर प्यूरिफाइड बाय, तेलों का किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? राइट आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि वाष्प डिस्टिलेशन के द्वारा तेलों को शुद्ध किया जाता है, यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन। आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियों से एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है कॉमन सॉल्ट इज एक्सपेक्टेड टू एयर। ओके, ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। बाकी तीनों, कोल इज बर्न इन एयर, कोल जब हवा में जलती है, सोडियम इज प्लेस्ड इन वाटर, जब वो सोडियम को वाटर में प्लेस किया जाता है, या फिर आयरन इज कैप्ट इन मॉइस्ट एयर, एयर में जब आयरन को मॉइस्ट एयर में रखा जाता है जो कि रस्ट हो जाती है, रस्ट लगने लगती है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। लेकिन कॉमन सॉल्ट इज एक्सपेक्टेड इन टू एयर, ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है जब कॉमन सॉल्ट को एयर में छोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आयरन इज रोस्टेड इट इज, जब लोहे पर जंग लगने लगती है तो वो क्या होती है? राइट आंसर है ऑक्सीडाइज होती है। ओके, तब वो ऑक्सीडाइज होती है जब आयरन पर जंग लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द क्रिटिकल टेम्परेचर एट व्हिच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर एंड बिलो व्हिच द कंडेंसेशन इज लाइकली टू बिगिन। यानी कि उस महत्वपूर्ण तापमान को निरूपित करने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जिस पर हवा वाष्प से संतृप्त हो जाती है और जिसके नीचे संघनन शुरू होने की संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर है ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट कहा जाता है इसे।
ओके। जब कंडेंसेशन के बिलो होती है और विद वाटर वेपर सेचुरेटेड हो जाता है और कंडेंसेशन के बिलो हो जाती है तब उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ओके, जब एयर ऐसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था।